जयपुर से ये बड़ी खबर है। अखबार के विज्ञापन के विरोध का ये पूरा मामला है, ये बड़ी जानकारी, जहां पर विज्ञापन पर हेडिंग लिखा था थानेदार, जिसके बाद अब पुलिस महकमे में गुस्सा है। तो कई आईपीएस ने सोशल मीडिया पर विज्ञापन का विरोध किया, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, ये बड़ी जानकारी है। कई आईपीएस ने सोशल मीडिया पर विज्ञापन का विरोध किया है, तो विज्ञापन से पुलिस महकमे में गुस्सा देखा जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। अखबार के विज्ञापन का विरोध किया जा रहा है, और ये आप देख सकते हैं विज्ञापन जिसका पुलिस महकमे की ओर से विरोध किया जा रहा है। पुलिस महकमे में गुस्सा है, विज्ञापन पर हेडिंग लिखा था थे थानेदार। तो विज्ञापन से पुलिस महकमे में गुस्सा है, और ये हेडिंग आप देख सकते हैं जहां पर लिखा हुआ है था थे थानेदार, माफ कीजिए थो थे थानेदार, इस हेडिंग में लिखा गया है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अखबार के विज्ञापन के विरोध का ये पूरा मामला है। पुलिस महकमे में इस विज्ञापन को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा है। विज्ञापन के हेडिंग पर थोथे थानेदार लिखा हुआ है, विज्ञापन से पुलिस महकमे में गुस्सा देखा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कई आईपीएस ने सोशल मीडिया पर विज्ञापन का विरोध भी किया है, और पुलिस महकमे में खासा विरोध देखा जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मोहम्मद रजाउल्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद रजाउल्ला, पुलिस महकमे की ओर से विरोध किया जा रहा है इस विज्ञापन को लेकर, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए आज जो राजस्थान के प्रमुख न्यूज़पेपर सहित अन्य जो चीजें हैं उन तमाम चीजों पर एक एड दिया गया है। एक बड़ी जो इंडस्ट्रीज है उनकी तरफ से एक बड़ा एड दिया गया है, उस एड में ये कहा गया है कि छोटे थानेदार, तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एड सुबह जब प्रकाशित हुआ तो उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस महकमे के अंदर जो जबरदस्त गुस्सा और रोष है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। बाकायदा कहीं आईपीएस की तरफ से मामले को लेकर संबंधित कंपनी को आड़े हाथ लिया गया है। केडिया ग्रुप की तरफ से ये जो पूरा एड है वो यहाँ पर दिया गया है। जिस तरीके से केडिया ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि छोटे थानेदार, और उसके बाद जिस तरीके से कुछ लाइनें भी ऐसी लिखी गई है जिसके बाद अब लगातार पुलिस महकमा जो है इस पूरे मामले को लेकर विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस महकमा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन और विरोध नहीं कर सकता, तो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं जो संबंधित कंपनी है उसको ट्रोल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से केडिया ग्रुप की तरफ से थानेदारों को छोटा बताया गया, छोटे थानेदार की तरफ से जिस तरीके से एड की यहाँ पर बात कही गई है, मतलब कुल मिला के जिस तरीके से एड ये प्रकाशित किया गया है, अखबार के अंदर जो विज्ञापन दिया गया है उन विज्ञापनों के अंदर जिस तरीके से थानेदारों की बेइज्जती की गई है, कहा जा सकता है कि काफी गुस्सा है। काफी थानेदारों के फोन भी हमारे पास आए थे, तो वास्तविक जो मीडिया है उसका परिचय देते हुए इंडिया न्यूज ने इस पूरे मामले को उठाया, तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एड विभाग की तरफ से जो एड संबंधित कंपनी की तरफ से जारी किया गया है उसका विरोध राजस्थान में जबरदस्त पुलिस महकमे की तरफ से देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रजाउल्ला जानकारी के लिए। तो ये विज्ञापन का विरोध हो रहा है, और इस विज्ञापन में हेडिंग दी गई है थोथे थानेदार, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, और विज्ञापन से पुलिस महकमे में गुस्सा है और गुस्सा बनता भी है। कई आईपीएस ने सोशल मीडिया पर विज्ञापन का विरोध किया है, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस विज्ञापन की हेडिंग में लिखा है थोथे थानेदार। विज्ञापन से पुलिस महकमे में खासा गुस्सा देखा जा रहा है, और अखबार के विज्ञापन का विरोध लगातार किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है जयपुर से, विज्ञापन पर हेडिंग में लिखा है थोथे थानेदार, जिसको लेकर पुलिस महकमे में खासा गुस्सा है। विज्ञापन से पुलिस महकमे में गुस्सा है, और लगातार इस विज्ञापन का विरोध किया जा रहा है। कई आईपीएस ने सोशल मीडिया पर विज्ञापन का विरोध किया है, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अखबार में ये एड दिया गया है, विज्ञापन दिया गया है, और इस एड की हेडिंग को लेकर पुलिस महकमे में गुस्सा है। हेडिंग में लिखा है थोथे थानेदार, तो विज्ञापन पर हेडिंग में थोथे थानेदार लिखा है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसके विरोध में अब पुलिस कर्मी उतरे हैं। विज्ञापन से पुलिस महकमे में खासा गुस्सा देखा जा रहा है।